मैं बोली सर ऐसा तो कोई कसूर नहीं है, आपने कॉल की ना, किसी दुश्मन ने की ना, किसी नहीं करे, इसने करे, जब चोर पीछे लग रहा है इसके। उनके साथ उन्होंने इसके साथ मारी पीटी है, ये गाड़ी छोड़ के खेतों में भाग गए थे। उनका कुछ भी नहीं है, कोई बीमारी ना, कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं है। थोड़ी देर बाद बोल रहे हैं कि ये एक्सपायर हो गए, ये इनकी बॉडी है देख लो। अरे मम्मी गई है, उसके बाद ड्राइवर गया है, तो उन्होंने उनको भगा दिया वहाँ से, मिलने नहीं दिया, सिर्फ 2 सेकंड ही मिलने दिया और भगा दिया। हाँ कैश छीनने के लिए कोई आ रहा था। हाँ 38,000 रुपए थे, 2 जने उनके पीछे पड़ गए थे, वे नहीं पकड़े, तो अपने बचाव के लिए उन्होंने पुलिस के पास कॉल की थी। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप लोगों का स्वागत है तेज़तर्रार में। हाल ही में हमने आपको एक खबर दिखाई थी जिसमें दावा किया गया था कि आदर्श नगर पुलिस स्टेशन में पुलिस कस्टडी के दौरान एक युवक की पीट पीट कर हत्या कर दी गई, और ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि खुद उस युवक के परिवार के द्वारा लगाया गया था। ऐसा ही एक और मामला बाबा हरिदास नगर पुलिस स्टेशन से सामने आया। यहाँ पर भी एक परिवार का आरोप है कि उनके बच्चे को पुलिस कस्टडी में पीट पीट कर मार दिया गया। अब आखिर इन सब बातों में सच्चाई कितनी है उसका हमें नहीं पता, क्योंकि सूत्रों के हवाले से हमारे पास खबर आई थी कि पुलिस कस्टडी के दौरान एक युवक की हत्या का जो मामला, यानी कि युवक की जो मौत का मामला है, वो सामने आया है। इसको लेकर युवक के परिवार ने क्या कुछ कहा है वो भी आप सुनिए। नाम बताइए। योगेश कुमार। योगेश जी क्या हुआ था? सर मैं थाने में गया था आंटी को लेके, इनके मम्मी को लेके। थाने में ये नॉर्मल थे, ड्रिंक वगैरह तो कर रखी थी पर ऐसा कुछ नहीं था, नॉर्मल थे। ना इनके साथ कोई मारपीट हो रखी थी, ना कोई इनके साथ मारपीट का निशान था, खाली इनके साथ स्नैचिंग हुई थी। मित्राओं के 2-3 लड़के हैं जिनका इन्होंने नाम लिखवाया था, उनके साथ उन्होंने इसके साथ मारी पीटी है, ये गाड़ी छोड़ के खेतों में भाग गए थे। वहाँ से इन्होंने 100 नंबर पे कंप्लेंट करी है। इन्होंने कनेक्टर थे क्या, ड्राइवर थे? मैं उनका ड्राइवर हूँ, मैं उनकी गाड़ी चलाता हूँ, डिजायर है ओला उबर में, वो चलाता हूँ मैं। अरे वहाँ से इन्होंने 100 नंबर पे फ़ोन करने के बाद पुलिस बुलाई है, पुलिस वाले आए हैं, पुलिस वालों ने इनको थाने में लेके गए हैं। थाने में ले जाने के बाद इनके साथ पता नहीं क्या हुआ है। वहाँ फिर हम 12 बजे इनसे मिलने गए हैं। 12 बजे मैं उनको लेके आने की कोशिश कर रहा था, पर इन्होंने आईओ ने मेरे को मना कर दिया था कि इन्होंने ड्रिंक ज़्यादा कर रखी है, मैं इनको छोड़ नहीं सकता। इनको सुबह, इनके साथ कोई मुकदमा नहीं है, कोई FIR नहीं है, कोई कुछ नहीं है। आईओ का नाम है विद्यानंद। पता कैसे चला? सुबह आईओ का फ़ोन आया मेरे पास 6:41 पे कि आप जाफरपुर हॉस्पिटल में आ जाओ, इसकी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ये एक्सपायर हो चुके हैं। तो हम यहाँ उनकी मम्मी को लेके मैं यहाँ हॉस्पिटल में आया हूँ। यहाँ आने के बाद ये मेरे से पूछ रहे हैं कि इनको कोई तबीयत बीमारी तो नहीं थी, कोई दवाई तो नहीं चल रहा, इलाज तो नहीं था। उनका कुछ भी नहीं है, कोई बीमारी ना, कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं है। थोड़ी देर बाद बोल रहे हैं कि ये एक्सपायर हो गए, ये इनकी बॉडी है देख लो। अरे यहाँ बॉडी देखने के बाद उनका यहाँ पूरा ये नीले पड़े हुए हैं, कोट वगैरह काले पड़े हैं, और ये सारे छाती वगैरह है, ये दाग है यहाँ पे, सारे निशान हो रखे हैं। सोनी, सोनी जी क्या पुलिस को फोन किया था आपके पति ने, उसी को बिठा लिया समझे? हाँ, मेरे हस्बैंड के साथ कोई 2 लोग पीछे पड़ गए थे, तो उन्होंने पुलिस के पास फोन किया, तो पुलिस वाले ने उन दोनों को तो नहीं पकड़ा, मेरे हस्बैंड को पकड़ के बैठा लिया। फिर पूरी रात बिठाए रखा, पूरी रात 11:30 बजे उनका फोन आ रहा है कि आपका लड़का यहाँ पे है, और मम्मी गई है, उसके बाद ड्राइवर गया है, तो उन्होंने उनको भगा दिया वहाँ से, मिलने नहीं दिया, सिर्फ 2 सेकंड ही मिलने दिया और भगा दिया। बोला सुबह कैसे पता चला आपको? सुबह उनकी कॉल आई है पुलिस की कि आपका बच्चा ज्यादा सीरियस है, मम्मी के फोन पे आपका बच्चा ड्राइवर के पास आई, आपका बच्चा ज्यादा सीरियस है, जाफरपुर हॉस्पिटल में आ जाओ। यहाँ पे आके पता चलता है कि वो उनकी डेथ हो गई। हाँ, रात को लेने गए वो पुलिस वाले, मना कर दी उन्हें, मैं बिल्कुल बोला हम नहीं देंगे, हम सुबह ही देंगे। सुबह 7 बजे फोन करियो, ये बोला 7 बजे फोन करियो, 7 बजे हमने, हमारे पास ये रिपोर्ट आई है, 7 बजे पुलिस का ही फोन आ गया, पुलिस का ही फोन आ गया मेरे पास। क्या काम करते थे वो? पुलिस को नाम बता, DTC विद्यानंद। क्या नाम? पुलिस का नाम था विद्यानंद। आपके हस्बैंड क्या काम? राहुल, DTC में थे। DTC में कलेक्टर थे? ड्राइवर? हाँ जी, कलेक्टर। यानी कैश था उनके पास? हाँ कैश था। कैश छीनने के लिए कोई आ रहा था? हाँ, 38,000 रुपए थे, 2 जने उनके पीछे पड़ गए थे, वे नहीं पकड़े, तो अपने बचाव के लिए उन्होंने पुलिस के पास कॉल की थी, तो पुलिस ने उन्हीं को बिठा लिया। हाँ, उन दोनों को नहीं पकड़ा, ना कोई कार्रवाई की, उल्टा उनको ही बैठा के रखा, जब लेने गए तो उनको भेजा भी नहीं। माता जी नाम बताओ। मेरा नाम बीना देवी। तो क्या हुआ, कैसे पुलिस? मेरा बेटा जी, मेरा बेटा ड्यूटी से निकला था घर से, 7 बजे घर से निकला, वो 7:05 पे निकला है वो। बोला मम्मी मैं ड्यूटी निकल लिया हूँ, मैं घर जाकर फोन करना, ऑफिस में जाकर फोन करूंगा, वीडियो कॉल।
अच्छा बन। 9 बजे से सर मेरी बहू फोन मिलाने लग रही, मेरी आंख लग गई। मेरी बहू फोन मिलाई गई, उन्होंने फोन नहीं उठाया। इसने भी मेरा आगे नहीं बताया कि मम्मी फोन नहीं मिल रहा, ना तो मैं जिसी टाइम कदर गाल देती, पुलिस रिपोर्ट करती, मैं कुछ भी करती। लेकिन इसने ना करी, भाई कई बार ना मिला, चलो नहीं मिला होगा। उसके बाद सर इसने फोन किया तो राहुल का फोन पुलिस वाला ने उठाया। पुलिस वाला का नाम है विद्यानंद, उसने फोन उठाया। क्या बताया उसने? बोला जी आप ऐसे ऐसे है, यो कह रहा मेरी मेरे पीछे चोर लग रहा है और इसको दारू पी रखी है। मैं बोली जी दुनिया पी रही है दारू तो, लेकिन ठीक है मैं आ रही हूँ। मैं सर उसी टाइम में चली गई, जाना का बाद में मैं गई हूँ, मिली हूँ उससे। मको जी मैंने अपना बेटा दिख मिलने दो। बोले ये तो सो रहा, क्या मिलोगे इससे, इसने दारू पी रखी। मैं बोली जी मेरा बेटा इतनी दारू पीता ही नहीं है जिस वजह तक हम कह रहे हो। नहीं मेरा बेटा पी रहा है, मैं मिलूंगी, पी रखी पी लेने दे, लेकिन मैं मिलूंगी। मैं जाकर सर ऐसे हाथ लगाया, मेरा बेटा तुरंत खड़ा हो गया। मेरा बेटा में कोई किसी चीज की वो नहीं, आख भाई उसने पी रखी थी नहीं थी, उसने तुरंत उठा। मम्मी क्या हुआ, कैसे मारे ना, क्यों आ गई? मगर भाई ने फोन करे तो मैं आई हूँ। उधर फोन आया उसका, राहुल का फोन से, पुलिस वाले ने फोन नहीं किया, उससे बात हुई। मैं तुरंत बिट्टू ने लेकर ना मैं वहां पर गई, पैसा देली भी लिया, मुने कोई वो भी लिया है भाई, वे खान के चटोरे है, क्यों पीछे भी मारा 50,000 रुपये खाया था, बंद कराया था। मैं भी बंद करी थी, करने के लिए थी, लेकिन मेरा बेटा तो बंद कर दिया था। बंद करने के लिए मेरे पास दीपक का फोन आया, 50,000 रुपये छोड़न का मांगे, लेकिन मैं इस मारी पैसा लेकर गई। उनने जाना का बाद में मैं बोली सर छोड़ दो, क्या हो रहा है? बोला नहीं इसको सवेरे छोड़ देंगे। मैं बोली सर ऐसे तो कोई कसूर नहीं है, आपने कॉल की ना किसी दुश्मन ने की ना किसी ने करे, इसने करा। जब चोर पीछे लग रहा है इसके, नहीं मैंने ये नहीं कही पहले, इसका जब पीछे कोई भी है दबाव पड़े, मैं अपने बेटा से पूछूंगी जब भी, तो मुझे पता लगेगा। बोला ठीक है जाओ। मैंने जैसे हाथ लगाया, बेटा ने बताई मेरे से ऐसे ऐसे हुई। फिर मैंने कही सर छोड़ दो इसको, इसने रिपोर्ट करी और इसने, हम लेन आए हैं तो छोड़ दो, मैं लड़का ने गैल ले आ रही हूँ, छोड़ दो। बोला नहीं सवेरे छोड़ दो, मेरा नंबर ले जाओ और सुबह 7 बजे फोन करी। फिर क्या हुआ सुबह? सुबह 7 बजे फोन करियो, 7 बजे इस लड़का के पास फोन आया, मेरा फोन बता दिया, बोला स्विच बंद है, मेरा फोन चालू था, स्विच बंद बता दिया उन्होंने, स्विच बंद। ये भाजा गया ये लड़का मुने लेके, आंटी जल्दी चल राहुल की तबीयत खराब है, राहुल ले आना है वो तो हॉस्पिटल में है। मैं बोली भैया ऐसे तो कुछ भी नहीं थे, रात को तो मैं दाई छोड़ के आई थी, जाके मैं देखा आवती सर इन्हें मैं घेर ली हूँ भारी अंदर, हाँ पुलिस ने भारे में दूर रही राहुल से, क्या नाम है लड़का, आप कितने है, कितने बच्चे हैं, कितने ये है, कितना परिवार है, कहाँ के रहने वाले हो, सारा नाम पता लिख लिया। मैं बोली सर इतना तो लंबा चौड़ा काम नहीं है, मेरा बेटा मिलवाओ ना, मैं इमरजेंसी में घुस गई, मैं इमरजेंसी में देखा मेरा बेटा नहीं मिला, मुने बाहर वो कपड़ा उड़ा रखा था, मुने क्या पता कि मेरा ही सो रहा है, मैं तो आण कहने बाहर सारे देखा मुने, तो मेरा लड़का तो बोला किसकी तो डेथ हो, मेरा बेटा की जीभ निकली पड़ी है, दांत का नीचे ऐसे, सर मेरा बेटा मारा गया, मेरा बेटा ने नहीं दारू पी गई, नहीं मेरे बेटा ने कुछ नहीं किया, अब ये रिपोर्ट से कुछ भी बनाओ, लेकिन मैं अपना बेटा का सीन आंखें से देख आई हूँ, मेरे आंखें का आगे वो सीन रड़केगा, मेरा बेटा ने इंसाफ मिलना चाहिए। पुलिस ने मारा है आपको लड़के? पुलिस ने मारा, उससे पहले मेरा बेटा सरिता और वो किरसन इनने कार्रवाई भी करी थी, थाना बंद कराया था, 50,000 रुपये भरकर ने लिए खाया था सरिता ने और इसने किरसन ने, जब मेरा बेटा छोड़ दिया।
देखिए ये जो पूरा मामला था वो आपको दिखाया, पुलिस स्टेशन यही है जिसके बाहर मैं मौजूद हूँ और यही की जो पूरी घटना है वो बताई जा रही है। द्वारका डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आने वाले थाना बाबा हरिदास नगर का ही ये मामला बताया जा रहा है और ये कहा जा रहा था कि युवक जो है वो पुलिस कस्टडी में था और उस दौरान ही उसकी जो है मौत हो गई। हालांकि मौत के पीछे की क्या कुछ वजह थी वो तो फिलहाल सामने नहीं आया, लेकिन परिवार का यही आरोप है कि पुलिस कस्टडी के दौरान ही उनकी मौत हुई है, यानी कि जो युवक है उसकी मौत हुई है। आपने खुद भी सुना है कि परिवार यहाँ पर क्या कुछ कह रहा है। पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन अवनीश के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।